हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल मुंबई। टुडे देयर इज एन इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन विच हैज कम आउट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड दैट्स द रीजन आई एम हियर टुडे। सिंस द टाइम दिस नोटिफिकेशन हैज कम आउट, देयर हैव बीन लॉट ऑफ क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट्स विच आई एम सपोज टू आंसर इन दिस वीडियो। So I request each one of you to watch the entire video properly and clear all your doubts. Still, if you have any queries, you can post it on the comments and we'll be surely happy to help you. So once again guys, welcome to our YouTube channel Study Circle Mumbai. So let's begin with this notification. So this notification is given by Institute of Company Secretaries of India and that is the date is today, that is 17th of June 2020. Now this notification is for the carry forward, the word very important is carry forward of the June exam session fee. Carry forward of the June exam session fee. So let us first of all understand that this notification is applicable to whom, and this exam session will be shifted to December 2020. That is what it says. Now see, CS may we just don't have one level, we have various levels. So first let us check the applicability of this notification. Very basic, I am starting with the applicability of the notification. So here let us first understand applicability of the notification on 17th of June, that's today. Iska notification ka applicability dekhte hain. See, today company secretary ke entrance ke liye there is a new entrance test, that is CSEET, that is company secretary executive entrance test. सवाल उठता है क्या ये नोटिफिकेशन सीसीट को एप्लीकेबल है या नहीं है। सो बॉस, दिस इज नॉट सीसीट के लिए, ये वेरी वेरी क्लियर है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ये उनके लिए नहीं है, राइट? तो पहले ये निकल जाते हैं। ओके, फर्दर क्यों? क्योंकि अगला जो सीसीट होने वाला है उन्होंने डेट ही उनकी दे दी है 29th of August, राइट? तो वो सीसीट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चेक करते हैं नेक्स्ट लेवल, सीएस फाउंडेशन। सवाल उठता है क्या सीएस फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल है? तो बॉस, ये नोटिफिकेशन सीएस फाउंडेशन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उसका डेट है 27th एंड 28th of August, और वो आखिरी अटेम्प्ट होगा फाउंडेशन का। सो सीएस फाउंडेशन स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। सीसीट स्टूडेंट्स, दिस नोटिफिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल। तो पहले तो आप कंफ्यूजन क्रिएट करना कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। ये हो गए एंट्री लेवल कोर्सेस। अब आगे के लेवल की बात करते हैं। नेक्स्ट लेवल आता है हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव। अब सीएस एग्जीक्यूटिव में क्या होता है बच्चे लोग? एक होता है ओल्ड सिलेबस, एक होता है न्यू सिलेबस। अब आपको तो पता है कि ओल्ड सिलेबस की ऑफिशियली लास्ट अटेम्प्ट थी दिसंबर 2019। ये ऑफिशियली लास्ट अटेम्प्ट थी। इंस्टीट्यूट ने जनवरी फर्स्ट वीक में सडनली एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था that they are ready to give you one extra attempt June 2020. So ye June 2020 was basically a extra attempt after the exhaustion of your official attempt. Mane agar aap December 2019 mein bhi old course ka exam diye the but clear nahi kar paye aur aapne conversion bhi nahi kiya tha, to obviously tha ki aap June 2020 mein old syllabus mein aapne exam ke liye register kiya tha. अब एग्जाम इन दोनों स्टेज के बीच में आ गया हमारा कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से
ये जून 2020 एग्जाम्स, अब जाके अगला डेट आ गया है अगस्त 2020, 18th अगस्त टू 20th अगस्त एज पर द न्यू टाइम टेबल। ये 18th अगस्त से 20th अगस्त के बीच में एग्जाम होने वाली है। तो ऑब्वियसली आप अपना ओल्ड सिलेबस का एग्जाम आप अगस्त में देने वाले थे, मान लेते हैं। अब कैरी फॉरवर्ड के रूल पे आते हैं। सो अगर आप कैरी फॉरवर्ड के रूल पे आते हैं और आप इस लेवल का जो कैरी फॉरवर्ड है, मान लेते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया कि अभी आपको एग्जाम नहीं देना है, एट प्रेजेंट यू डोंट वॉन्ट टू गिव एग्जाम्स, दैट मे बी ड्यू टू दैट योर एरिया इज फॉलिंग विद इन कंटेनमेंट जोन और एज देर इज अ फियर ऑफ दिस पेंडेमिक, या आपको इन्फेक्शन से डर लग रहा है, या वॉट एवर द रीजन आर, इंस्टीट्यूट इज नॉट आस्किंग एनी रीजन। आप प्लेनली इन्होंने बोला है कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कैरी फॉरवर्ड करके आपने जो एग्जाम फी भरी है, सो ऑब्वियसली एग्जाम फी की बात कर लेते हैं। बाय द वे एग्जाम फी इज व्हाट, 1200 पर मॉड्यूल, ये एग्जाम फी आपने भरी होगी। अगर आप एक मॉड्यूल देने वाले थे तो आपने 1200 भरा होगा, दो मॉड्यूल देने वाले होंगे तो 2400 भरा होगा। तो 1200 पर मॉड्यूल जो आपने भरा है, वो ये बोल रहे हैं ये हम दिसंबर 2020 में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, माने पैसा आपका इंस्टीट्यूट नहीं खा रहा है। योर मनी इज सेफ विथ ICSI इफ यू चूज नॉट टू गिव एग्जाम्स। हालांकि मैं यहां बोलना चाहूंगा कि इफ यू आर गिविंग एग्जाम्स तो ये नोटिफिकेशन आपके कोई यूज का ही नहीं है। जब आपने डिसाइड ही कर लिया आपको देना है तो आप क्वेश्चन ही नहीं है। बट अगर आपने डिसाइड नहीं किया है या आपके यहां कोई इश्यू है पेंडेमिक की वजह से, तो एक वन टाइम फैसिलिटी इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है कि आपके पैसे नहीं जाएंगे बॉस, आपको दिसंबर एग्जाम देने मिलेगा। बट अब सवाल यह उठता है कि जून 2020 तो ऑफिशियली लास्ट एग्जाम था, जो चेंज होके अगस्त 20 हुआ ओल्ड सिलेबस का। सवाल यह उठता है कि ये एग्जाम क्या मुझे ओल्ड में देने मिलेगा या न्यू में देने मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बट इस सवाल का जवाब इस नोटिफिकेशन ने नहीं दिया है, एंड आई गेस वी हैव ब्रॉट डाउन टू नोटिस ऑफ ICSI दैट दिस इज समथिंग विच इज मिसिंग इन द नोटिफिकेशन। हालांकि प्लेन लैंग्वेज और लॉजिक्स अगर इस्तेमाल करे तो ओल्ड सिलेबस में वन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए, बट इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, वी कैन नॉट वाउच फॉर दिस। बट देख के तो ये लग रहा है कि इस पेंडेमिक की वजह से ओल्ड सिलेबस एक अटेम्प्ट और बढ़ जाएगा। सो दिस क्लैरिटी इज येट नॉट गिवन, बट आई एम श्योर दिस नोटिफिकेशन विल बी आउट इन द नेक्स्ट 24 to 48 hours। और अगर ऐसा है तो अगर आपका ओल्ड सिलेबस है तो आपके पास एक बढ़िया सा ऑप्शन है, अगर आपके यहां एक प्रॉब्लम है तो। हालांकि अगर आपके यहां कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई रेड जोन कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं, तो ऑब्वियसली आप काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी आप इतना टाइम से घर पे बैठे हैं पढ़ रहे हैं, आपको और 2 महीने हैं, यू हैव टू स्टिल 2 more months टू गो टू एग्जाम्स, सो आपको एग्जाम देना चाहिए। यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर कैरी फॉरवर्ड, दैट वॉज फर्स्ट थिंग। आगे बढ़ते हैं न्यू सिलेबस के लिए देखते हैं, एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के लिए देखते हैं। तो उनका सिलेबस का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आप एग्जाम देने वाले थे जून 20 में जो पोस्टपोन हो गई अगस्त 20 में। अगर आप जाते हैं तो आपको ये एग्जाम दिसंबर 20 में आपकी फीस कैरी फॉरवर्ड करके मिल जाएगी, और आपको तो ऑप्शन ही नहीं, आपको तो उसको दिसंबर 20 में न्यू में ही देना है क्योंकि आप एग्जिस्टिंग न्यू सिलेबस के स्टूडेंट है। सो कैरी फॉरवर्ड करके मिल जाएगा फीस आपको। हालांकि एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इस नोटिफिकेशन में जो काफी लोग मिस कर रहे हैं और जिसमें काफी लोग क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। जब से ये नोटिफिकेशन आया है, गॉट सो मेनी क्वेरीज ऑन माई व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल, सो आई सेड लेट मी रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर दिस। तो यहां पे क्वेरी ऐसा है कि मान लेते हैं जून 2020 अगस्त 2020 अटेम्प्ट के लिए
आपने बोथ मॉड्यूल्स के लिए रजिस्टर किया था, यू रजिस्टर फॉर बोथ मॉड्यूल्स। अब आप ये कर रहे हैं कि आप इंस्टीट्यूट को बोल रहे हैं, देखो भैया आप है ना, मैं अभी फर्स्ट मॉड्यूल दे देता हूं, आई प्लान टू गिव एग्जाम ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल और एनी वन मॉड्यूल फॉर दैट मैटर, बट आप मेरा जो सेकेंड मॉड्यूल का फीस है ना, सेकेंड मॉड्यूल का जो मेरा फीस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। तो इंस्टीट्यूट ने बोला है ऐसा हम नहीं करेंगे, ICSI हैज मेड इट वेरी क्लियर, ऐसा हम नहीं करेंगे। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपका पूरा अटेम्प्ट कैरी फॉरवर्ड करो, आधा आधा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। दैट इज अ वेरी पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नोटिफिकेशन गाइस, प्लीज टेक केयर। मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर आपने दो मॉड्यूल के लिए रजिस्टर किया है एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस तो आपको एक ग्रुप देना है और एक मॉड्यूल का फीस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ऐसा नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। पार्शियल कैरी फॉरवर्ड इज नॉट अलाउड। लास्ट ये हो गया, एग्जीक्यूटिव की बातें हो गई, आ जाते हैं प्रोफेशनल पे। अब यू नो ये प्रोफेशनल में भी ओल्ड सिलेबस है और न्यू सिलेबस है। सो प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस वालों का भी क्वेश्चन सेम है कि सर प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस ऑफिशियल लास्ट अटेम्प्ट जून 2020 था, जो एक्सटेंड होके अगस्त 20 हो गया। अगर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो क्या दिसंबर 20 में हमें ओल्ड में ही देने मिलेगा? ये क्वेश्चन है जिसका आंसर इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है, एंड आई एम श्योर इट विल कम इन द नेक्स्ट 24 to 48 hours। तो गाइस बिल्कुल रश मत कीजिए, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। इंस्टीट्यूट ने आपको बोला है कि अगर आपको ये कैरी फॉरवर्ड का डिसीजन लेना है तो आप 17 जून से लेकर 30 जून तक ले सकते हैं। ये डिसीजन आप 17 जून से लेकर 30 जून तक ले सकते हैं। अभी कोई घाई मत कीजिए, कोई रूमर्स मत फैलाइए, कोई फालतू चीजों पे ट्रस्ट मत कीजिए। लेट द ऑफिशियल वर्ड कम फ्रॉम इंस्टीट्यूट। ऑथेंटिक न्यूज नहीं आती तब तक फालतू में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली डिस्ट्रैक्टिंग यू। सो ये 17 जून to 30 जून का टाइम है ना, तो लेट अस वेट फॉर 24 to 48 hours एंड गेट अ कंप्लीट क्लैरिटी ऑन दिस। एक बार क्लैरिटी आएगी फिर आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो एंड देन आई विल एडवाइज यू कि क्या करना चाहिए। बट एट प्रेजेंट मैं आपको बोलूंगा फिलहाल कुछ मत कीजिए, समझो ये नोटिफिकेशन आया ही नहीं है आपके लिए, ऐसा आप समझ के चलिए। एंड गाइस न्यू सिलेबस वालों का अगर लास्ट बात कर ले तो न्यू सिलेबस वाले तो वैसे भी जून में एग्जाम देने वाले थे, अब अगस्त में देंगे, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, और कैरी फॉरवर्ड करके दिसंबर 20 में ऑब्वियसली न्यू में दे दीजिए। सो दैट इज व्हाट इज द नोटिफिकेशन ऑल अबाउट। बट हियर द स्टोरी डज नॉट गेट ओवर। अब बड़ी बात है, मान लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको कि आपने ये जून और अगस्त के लिए मान लेते हैं मॉड्यूल वन की फीस भरी थी, सिर्फ मॉड्यूल वन, प्रोफेशनल मॉड्यूल वन, और अब दिसंबर 20 में आप शिफ्ट करना चाहते हैं, आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आपके पर्सनल रीजन है, तो ये बोल रहे हैं मॉड्यूल वन की फीस तो पूरी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, बट अगर दिसंबर 20 के लिए अगर आपको बचे हुए दो मॉड्यूल्स या जो भी आपके मॉड्यूल्स बचे हुए हैं अगर उनको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, तो आप मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 ऐड कर सकते हैं और इनकी एग्जाम फीस आपको अलग से रेमिट करनी होगी। सो आपको 2400 ही रेमिट करना होगा और आपका जो पहले का 1200 है वो कैरी फॉरवर्ड होके आ जाएगा। सो यू कैन ऐड द मॉड्यूल्स फॉर दिसंबर 20। जब दिसंबर 20 का एग्जाम विंडो ओपन होगा तो वो आपको ये ऑप्शन देंगे, ऐसा इंस्टीट्यूट ने कंफर्म कर दिया है। सेम एग्जीक्यूटिव में भी होगा और सेम प्रोफेशनल में भी होगा। सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी क्लैरिटी जो नहीं है वो ये है
क्या ओल्ड सिलेबस को एक अटेम्प्ट बढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट करूंगा, हमने ऑलरेडी मेल तो किया ही है, कि प्लीज गिव अ क्लैरिटी बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन इन द स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी एंड ऑलरेडी इन दिस पैंडेमिक देयर इज अ लॉट ऑफ केओस, जिसमें पढ़ाई बहुत मुश्किल हुई है, जो आउटस्टेशन स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो बेचारे घर पे हैं 4 महीने से, ऑलमोस्ट 3 महीने से, वो बेचारे भी परेशान हैं, क्योंकि जो आर्टिकलशिप कर रहे थे उनको वर्क फ्रॉम होम मिल चुका है, जो आर्टिकलशिप नहीं कर रहे थे, घर में अगर इतने लोग होंगे तो सबका घर बड़ा तो नहीं होता ने 5 BHK ने 6 BHK कि भाई उनको पढ़ने के लिए जगह मिलेगी। सो सी गाइस, आई नो दैट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ केओस ड्यू टू दिस पैंडेमिक, बट क्या कर सकते हैं, ये पैंडेमिक वर्ल्ड के लिए भी नया है तो इंस्टीट्यूट के लिए भी नया है। सो प्लीज डोंट डिसाइड एनीथिंग राइट नाउ, लेट्स वेट फॉर 24 to 48 hours। आई विल रिकॉर्ड अ न्यू वीडियो फॉर द सेम एंड देन विल अपडेट यू द मोमेंट दैट नोटिफिकेशन कम्स आउट। थैंक यू गाइज फॉर माई फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज subscribe to our channel Study Circle Mumbai. I remind you, Study Circle Mumbai, and press the bell icon so that you get all further updates and all further videos of Study Circle. We are happy to help you and happy to serve you. Take care, God bless you, and stay safe.